नेशा का फर्स्ट डे। हाँ, इसके साथ आ जाओ। ये देखो ऐसे करके देखो, कितनी प्यारी सुंदर सी गुड़िया लग रही है यहाँ पर। गुड मॉर्निंग। तो जी आज नेशा फर्स्ट डे रेडी हो रही है स्कूल के लिए। नेशा की स्कर्ट, वाह नेशा, नेशा की सॉक्स, छोटी कोटी तो पहननी पड़ेगी है ना, पहननी पड़ेगी। नेशा की कोटी, नेशा की टाई और नेशा की बेल्ट। हां जी। ओहो दादा यहां से है दो या तो ना गोटो तो है हैं। बड़ी नहीं ऐसा तो बोला ना दादी, बोलेगी धूप के कम तो नहीं जाएगा, बुलेट तो जाएंगे बाबा। चलिए दादी। मम्मा ऐसे होता है, पहले ये पहनना है तब ये पहनना है। नहीं नहीं शू, इसके बाहर से पहनते हो कुछ देखना आप ना, अभी देखना तो देखना। ये वाह 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 वाह, शादी को ये देखो। चलिए बड़ी बात। ओके नैशा, वाओ नैशा की, नैशा की मम्मा इसको तो डाल, कहां इसको डालेंगे। वाओ नैशा की स्कर्ट, वाओ आउच आउच, ओ आउच, वाओ न्यू आ गए। कैसे है दादी? तो बंगर छोटे आने में तो लामड़े थे दादी। नहीं होती है, इतना ही होता है नैशा से हाथ। तो ये तो बाबा धो के घटेंगे और दादी घटेंगे। हाँ जी, तुम्हारे पुर की दादू तू छागी टाइट करो अभी। और ठीक है नैशा, पीछे से हो जाएगी टाइट। जे वे का तू है ना, तेरी हो जाएगी टाइट करने को है। अरे ठंडी पड़ेगी स्वेटर बेटू, ठंडा है क्या पता अब खा रहा जो पूरा अभी पहना ही दो। दो दिन के बाद तीसरे दिन दूसरी है। लो जी देखो आज नैशा का पहला दिन है। अभी बनानी है, कौन बनाएगा? चाची बनाएंगे। माय गॉड ये क्या पहने, ये वाली ये क्या है नैशा? टाई, वाह वाह आपकी ड्रेस, शूज से लेकर ऊपर, माय गॉड बल्ले बल्ले बल्ले, थैंक यू। भी रखना पड़ेगा यार नैशा। कैसी लग रही है जी नैशा? देर नहीं है इसमें, पॉकेट तो हमने चाहिए थी। थैंक यू, रखना पड़ेगा। दादी को भी दिखा दीजिए जरा अंदर। अच्छा दिखा दिए दादी। हां जी, वाओ मेरी गुड़िया देख ड्रेस, भगवान भगवान, वाह वाह वाओ जी वाओ जी। नैशा की गुटलियां बन रही है, नैशा टूटू बनानी पड़ेगी अब तो है ना। ये बोतल, ये है बैग, ये डाल दो जिसको, बाकी बुक्स आज मैम से पूछ लेंगे कि कौन कौन सी डालनी इसमें है ना। चलो तो ये नैशा का फ्रूट बॉक्स, लंच बॉक्स रेडी हो गया और हम चल पड़े हैं जल्दी जल्दी। हाँ बाहर रहेंगे नैशा जी। चलो कर लो, बाय कर लो सब। भाई बाय। नमिश निमाश कब जाएंगे भाई स्कूल? आप कब चलोगे? उंगलियों में अभी। चलो जी नैशा जी, चलो जी, चलो चलो
दे दो चीनी मान नवेश भाई, थैंक यू। पहुंच गई है नैश सुषमा मंजू के पास। डंडा कास रहा है, इसको छोड़ दे। डंडे का समय खत्म हो गया बेटा। वेदर इज क्लाउडी, मंदिर भी जाना क्योंकि अभी ना। तो आज पहला दिन है जी, तो नैशा को भी पहले फिलहाल मंदिर ले चलते हैं। हम यहाँ पर दीप्ता बेंद्रा जी के दर्शन करवाते हैं और उसके बाद चलेगी नैशा स्कूल। चलो चलो जल्दी चलते हैं, दर्शन कर लेते हैं। चलो 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 जाओ जाओ आगे जाओ। हाँ यहाँ पे नीचे। वेरी गुड, जय दीप्ता बेंद्रा जी। बस आ जाओ पीछे आ जाओ। राजीव सर मिल गए विनेशा को। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पहुंच गए विनेशा। आर यू हैप्पी? ये बिल्कुल हैप्पी नहीं है पर विनेशा का फर्स्ट डे। हाँ इसके साथ आ जाओ। ये लो फैसे करके देखो, कितनी प्यारी सुंदर सी गुड़िया लग रही है यहाँ पर। ये है विनेशा की क्लास और विनेशा की मैम। यहाँ देखिए बच्चे और नैशा दो आज दुखी है थोड़ी सी। हाँ इस तरह नैशा स्माइल कर रहे। तो यहाँ क्या यहाँ देखिए ऐसे कर नैशा भी रोने लगी। अभी मानती नैशा पहला दिन है बेचारी का यार, अभी तो थोड़ा तंग करेगी हमारी एक लड़की के। हाय रेडी बने वाली घड़ी मैम नहीं आपको पुराना होगी मैम बस क्या चल ठीक है ठीक हो जाओ बिल्कुल और हम नहीं होंगे बाहर को दो घंटे बाद छुट्टी हो जाएंगे। हम तब तक आते बाहर से ठीक है। हाँ जी, तो कुछ इस तरह का रहा नायशा का पहला दिन। नायशा ने काफ़ी शोर शराबा किया, मतलब काफ़ी रोई धोई नायशा, क्योंकि यार पहला दिन था स्कूल में। तो इसको आपको पता है आदत है, ये मेरे साथ 2 साल से लेकर के मेरे स्कूल जा रही थी और मेरे लिए ना इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता। अगर अंकित नहीं होते तो शायद ये रुकती नहीं क्लास में। फिर अंकित को मैंने बोला कि मैं बाहर आती हूँ, आप अंदर आओ। फिर अंकित अंदर गए, जब फिर अंकित ने उसको समझाया। अंकित के सामने ना नायशा ज़िद नहीं करती और थोड़ा सा अंकित से डर भी जाती है। तो फिर उसके बाद जा कर के नायशा क्लासरूम में बैठी और बहुत ही भारी मन के साथ हमने इसको क्लास में छोड़ा। शाम को बाकी मैंने इसकी क्लास टीचर से पूछा था, उन्होंने कहा कि थोड़ी देर सैड थी और उसके बाद तो फिर खुश हो गई थी, बच्चों के साथ बिजी हो गई थी। और मैं अपनी अगर हालत बताऊं तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैंने जब नायशा को छोड़ा ना, मतलब स्कूल कैंपस में ना मेरी आंखों से आंसू टपकने वाले थे। मैंने पता नहीं कैसे कंट्रोल किया ये सोच के, मैं तो खुद को मैं अंदर से बोलती भाई बेइज्जती हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी खतरनाक वाली, रोना नहीं रोना नहीं। मैंने बड़ा कंट्रोल किया, पर बहुत मुश्किल होता है पहला दिन थोड़ा बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए भी। तो बस सही है, कुछ ऐसा सा रहा नायशा का पहला दिन। और एक और चीज़, आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप लोगों ने अपने स्कूल में नायशा को क्यों नहीं रखा, आप लोग दोनों गवर्नमेंट टीचर हैं तो आपको अपने स्कूल में पढ़ाना चाहिए था। तो यार आप लोगों का जो सवाल है ना बिल्कुल जेन्युइन है, तो इसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी, क्योंकि ये वाला व्लॉग वैसे ही काफ़ी लंबा हो गया और इसके बारे में मैंने काफ़ी सारी बातचीत आप लोगों से करनी है। आप लोगों को पता है कि मैंने नायशा को, नायशा भी मई में ना 5 साल की कंप्लीट हो जाएगी, तो मैंने 2 साल तक इसको अपने साथ ही स्कूल में रखा था। जानते लोग जो देखते हैं मेरे ब्लॉग्स को पहले से, तो कल मैं आपको बताऊंगी कि मुझे क्या क्या दिक्कतें हुई अपने साथ नायशा को रखने से और क्या क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी, तो उसके बारे में करते हैं कल बात। फिलहाल आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।